फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नया ब्लॉग है और इस ब्लॉग में आज मैं आपको ले चलूंगी अपनी बराबर में रहने वाली भाभी के यहाँ। भाभी क्या, वो मेरी चाची सास लगती हैं, तो उनके यहाँ ले चलेंगे। वो बहुत दिनों से असल में एकादशी का व्रत रखती थी, तो अब काफी टाइम पीरियड हो गया उनके उस एकादशी व्रत को करते हुए। तो कोई व्रत बहुत दिनों तक रहो ना फ्रेंड, तो उसका उद्यापन करना तो बनता है। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि मतलब अब जो है उनको व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए, तो सारा इंतजाम किया गया। तो आज है उनके एकादशी के व्रत का उद्यापन और उसमें ही वो लोग कराएंगे रुद्राभिषेक। तो पूजा है रुद्राभिषेक की और आप सबको शामिल ना करूं इतनी बढ़िया सी पूजा में, तो मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा ये व्लॉग तो आप लोगों तक पहुंचना ही चाहिए और पूजा में शामिल होना ही चाहिए आप लोगों को, उसीलिए चल रही हूँ मैं उनके घर। सबसे पहले मॉर्निंग में पंडित जी ने कराया होगा एकादशी की उद्यापन की पूजा और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। 10 बजे का इन्विटेशन था, बज रहे हैं 12, क्योंकि घर का काम निपटाते हो गया मुझे देर। अब होगा रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक के बाद गौदान भी करना है, उन्हें कन्यादान भी करना है, सारी चीजें करना चाहती हैं। अपने हाथ पैर चलते हुए ये सारी चीजें कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है फ्रेंड। तो ये सारी चीजें भी होंगी तो फंक्शन आज का भी है, पूजा आज की भी और पूजा कल की भी है। अभी चलते हैं उनके घर फ्रेंड और देखते हैं कि पूजा में क्या हो रहा है। वो सारी पूजा आप सबको मैं दिखाऊंगी साथ में, आप भी हमारे साथ पूजा का आनंद लीजिएगा। और क्या क्या होगा वहां उनके घर पे और कैसे कैसे पंडित जी पूजा संपन्न कराएंगे ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए अभी हमारे साथ ले चलते हैं आपको अपनी चाची सास के घर। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं हम घर पे और ये देखिए यहाँ पर रुद्राभिषेक जो है वो शुरू हो चुका है। और पहले जो कथा थी और एकादशी के व्रत का समापन की मतलब उद्यापन की जो पूजा थी वो संपन्न करा चुके हैं पंडित जी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और ये देखिए रुद्राभिषेक चल रहा है। ये सब भांग धतूरा वगैरह प्रभु की पूजा के लिए और ये दूध जो रुद्राभिषेक जिससे होता है और ये जो कलावा है वो धागा बांध कर सारी जितनी औरतें बैठी हैं सबको पकड़ा दिया गया है ताकि सबका हिस्सा जो है वो रुद्राभिषेक के उसमें लग जाए। और यहाँ पर छोटे वाले भैया जो हैं वो बराबर दूध डालते जा रहे हैं और ये सारे लोग सब लोग बैठे हैं देखिए कलावा के धागा को पकड़े हुए और सब लोग अपने रुद्राभिषेक में अपनी भागीदारी जो है वो पूर्ण करा रहे हैं। तो चलिए देखिए रुद्राभिषेक और पंडित जी के मंत्रों का जो है आप भी आनंद लीजिए। सभी लोग नमः शिवाय का जो उच्चारण करेंगे तो ओम नमः शिवाय, 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 और फ्रेंड्स अंदर रुद्राभिषेक जारी है और ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। और इतने में ही पंडित जी के द्वारा लाई हुई गाय माता जी आ गई थी बछड़ा के साथ, तो फिर चाची जी को लाकर गौदान की जो है पूजा वो पंडित जी संपन्न करा रहे हैं यहाँ पर। तो गैया माता ऐसे तो घूमती रहती हैं घर में, आकर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था गौ माता को। सबसे पहले गौ माता को गेहूं और गुड़ जो है वो खिलाया जा रहा था, फिर ये देखो चाची सास ने जल छिड़का उनके ऊपर और माथे पर गौ माता के टीका कर रही थी। फिर ये गौ माता को जो है फूलों की माला पहनाई जा रही है चाची द्वारा और बहुत अच्छा लग रहा था। इस समय जो फीलिंग हो रही थी, जो मतलब इतना मन प्रसन्न था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने भी पहली बार इस तरह से पूरा गौदान देखा था। वैसे तो पैसों से और कुछ भी ऐसे थोड़ा बहुत संपन्न हो जाता है लोग क्या, पर पूरा गौदान मैंने इस तरह से पहली बार देखा। और ये चांदी के पायल थे, ये देखिए चाची सास जो है वो गौ माता जी के लिए दान कर रही थी और ये फूल वगैरह छिड़के जा रहे हैं। फिर गौ माता को प्रसाद खिलाया गया और सोने का भी एक सामान था, जहाँ तक नाक की कील थी वो भी गौ माता को अर्पण की गई, वो भी गौदान में दी गई।
और ये भैया जी अपने हाथ से खिला रहे हैं गौ माता को गुड़। और फिर ये गौ माता के लिए आए थे वस्त्र, उनको उड़ाने के लिए जो चादर होती है, और ये सिली सिलाई होती है, आप देख सकते हैं उसमें डोरी वगैरह लगी हैं जो कि गौ माता को उड़ाकर और फिर नीचे से बांध दी जाती हैं ताकि वो बंधी रहे, खुले ना। और ये गले में डालने वाला उनका जो है ये कपड़ा वगैरह, और छोटे बछड़ा के लिए भी, जो बछड़ा जो है छोटा सा गौ माता का, उसके लिए भी वस्त्र आए थे, उनको भी उड़ाया गया। और ये फूल माला जो है वो भी पहनाई गई। और ये हमारी गौ माता की पूजा की थाली, फल वगैरह रखे हैं जो कि गौ माता को खिलाए जा रहे हैं। अपने हाथ से गौ माता को वस्त्र समर्पित किए चाची ने, फिर गौ माता का फेरा लिया, उनके चरण स्पर्श किए, और फिर कोई रस्म थी जिसके लिए पंडित जी ने सब लोगों को अंदर भेज दिया और खाली चाची सास के साथ वो पूजा संपन्न कराई। बोले किसी को नहीं देखना है, तो हम लोग फिर से आ गए अंदर। और बाहर वो वाली पूजा पंडित जी संपन्न करा रहे थे, वो पूजा मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं नहीं देख सकती थी उसको। ओम नमः शिवाय, 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 और यहाँ पर रुद्राभिषेक बहुत अच्छे से संपन्न हो चला था, और अब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करवा रहे थे पंडित जी। तो सबसे पहले ये टीका वगैरह लगवा रहे हैं, टीका रुचना वगैरह। तो ये चाची जी भैया जी सब लोग भोलेनाथ का टीका कर रहे हैं। और अब भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जा रहा है भांग, धतूरा, बेर और बेलपत्री, ये सारी चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीज़ें लाई गई थी और वो सब भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जा रही हैं। और बाबा को सजाते रहेंगे, साथ में बोले रहेंगे, और ये कोई ये चला देगा कमल बैठाएंगे, एक एक कमल बैठाएगी बेल पत्री, सब लोग चलाते रहेंगे भगवान भोलेनाथ को। प्रियंताय सर्वेव प्रियंताय तोतर पूरे तो रम करना जे रहे भोले बाबा निराले दूधे में सज रहे भोले बाबा निराले दूधे भोले बाबा की अजब ही बात है, मेरे भोले बाबा की अजब ही बात है, चले हैं सगले घर के भूतों की बारात है, चले हैं भूतों की बारात है, चले हैं संग घर के भूतों की बारात है, सजे रहे भोला जय हो, सर जगा चढ़ाए जय हो, कल भस्म लगाए जय हो, ओ हे मगशाला जय हो, गले लाग की माला जय हो,
है शीश गंगा जय हो, है शीश गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तेरा डमरू साजे जय हो, त्रिशूल बिराजे जय हो, त्रिशूल बिराजे जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, बीकर के प्याले जय हो गए मतवाले जय हो, कोई नाचे गावे जय हो, कोई ढोल बजावे जय हो, कोई मुंह मिठलावे जय हो, कोई मुंह चिपकावे जय हो, भोले भंडारी जय हो, पंडे ससुरारी जय हो, सब देख के भागे जय हो, सब लड़ और लारी जय हो, कोई आ गया गाड़ी जय हो, कोई पास बिगाड़ी जय हो, मृगशाला जय हो, भोले मृगशाला जय हो, भूतों की लगी टोली चले है ससुराल, सवारे श्री नंदी पे सवारे, मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, की जय विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकार, चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन गजवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकार, विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका, ओम है शिव ओंकार, तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ओ भाव सहित गावे, शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव, करुण गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यागमनं त्वमेव, सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सब आरती करो रस प्रेम भरी, स्वामी करो विष्णु की करो शंकर की करो रस प्रेम भरी, शंकर की करो रस प्रेम भरी, उस की आरती करो रस प्रेम
समय सगाय की जय। महादेव शंभु की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। गंगादेव भगवान की जय। पार्वती हरे हरे और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, जैसा कि आपने देखा आरती भी हो गई और अब आई कन्यादान की बारी। तो भाभी की एक नातिन और दो पोतियां हैं, तो वो जो है कन्यादान कर लेना चाहती हैं अपने हाथों से अभी। उनका सोचना है कि बच्चों की शादी में मैं रहूं या न रहूं, तो मैं अपने हाथ से कन्याओं को दान कर दूं। तो ये सोने की इयररिंग और चांदी की पायल आई कन्याओं के लिए, तो आगे के ब्लॉग में देखिए। और ये बहुत ही भावुक पल था। सर्वत्रेधाणि सर्वमंगलमये शिवे सर्वादिशादिके गणेशे गौरी नारायणी नमस्ते। विद्वद्धाम समप्रभाम मृगपते यस्कन्दिकाम् अम्बिकाम् विभ्राणां मलिलाघचातुर्गा भजे। हस्तै चक्र गदासिके कविष्ठं चापं गुडं यत्किं लीलाजन्मगैः विभ्राणां मलिलाघचातुर्गा प्रणत्वा भजे। ओम हरिम स्वस्तिनाइंद्रोजस्रवाः स्वस्तिनापोषावेश्वेदाः स्वस्तिनस्तारेश्वरेश्वरेमि स्वस्तिनो ब्रह्मः स्वस्तिर्धातुः। सर्वे नमस्ते। मीठा खिलाइए। लीजिए जटला के आरती उतारी है। सुंदरी सुंदरी कुछ मंगाओ देने के लिए, वस्त्र वगैरह कुछ। यम कल्पणे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम तावत्तम हृदय अरविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव वल्लश्च सखा तमेव तमेव विद्याविदम तमेव तमेव सर्वं मम देव। अन्य को दे दो, पकड़ा देगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मुद्रा मुद्रा लगा ली। ये आपका हो गया, रखे रहो। मुद्रा लगा फलस में छुआ जाके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सुमंगलाय चिताय नमः। सर्वे शास्त्र पुण्यात्म दुरात्मा नित्यो नमः। ओम भवानी भव सुंदर भवानी प्रियतम प्रियंतम कलश में छुआ के सर्वे ज्योतिर से दोनों शरकल से और मां गुरु भाई में घूम रहे थे। सर्वे शास्त्र लगा दे क्या पंडित। हाथ से लगा दे। छिड़क दो ऐसे हो गया। हां हो गया। मंगल पांच पांच बार प्रणाम करिए। सर्वे तीर्थाणि गुण प्रियंताय सर्वे वस्तुलं दयाने वे प्रियंताय। प्रणाम कर लीजिए बस भैया। ओम हरि ओम सहस्राधि पेशतोयाम श्रीशाम जगतपतेयाम सर्वे नमस्ते। नमस्कार प्रभु हे दोनों हाथ जिस घर में हो आरती चरण कमल सिद्धाय तहां हरि वासा करे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं श्रीश्वरे यद् पुष्पमया देवी परपणं तदस्तु मे विष्णुवारकी जय। भूतनाथवारकी जय। नमः पार्वतीपते हरे हर महादेव हर महादेव। भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका था और गौरा मैया का श्रृंगार बाकी था, तो ये सारा सुहाग का सामान साड़ी चुनरी वगैरह गौरा मैया की ये सारे जो है वो चढ़ाने थे गौरा माता को। तो पंडित जी ने कहा कि आप ऐसी छुआ कर रख दीजिए और बोले पंडित जी कि ये सारा सामान जो है वो जो मंदिर में मूर्ति है मैं उन पर चढ़वा दूँगा, वहाँ माता रानी का श्रृंगार करवा दूँगा। और चाची द्वारा ये श्रृंगार जो है वो भगवान भोलेनाथ को छुआकर और माता पार्वती को छुआकर संकल्प करके वहीं पास में रख दिया जा रहा है
और पंडित जी अभी आगे की पूजा संपन्न कराने में लगे हैं। क्षमा प्रार्थना वगैरह की गई भगवान से कि जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। और पूजा संपन्न हो जाने के बाद फिर सब लोगों को कलावा बंधाना था, तो ये सब लोग कलावा बंधाने में लग गए पंडित जी से, और पंडित जी कलावा बांधते बांधते थक गए, इतने सारे लोग थे। और ये जो बड़ी चाची जी के यहाँ पूजा थी ना, ये उनसे छोटी वाली उनकी देवरानी है, यानी हमारी छोटी चाची सास। ये चाचा जी जो कलावा बंधा कर गए, और ये छोटी वाली चाची जो कलावा बंधा रही हैं, ये दोनों लोग देवरानी जेठानी हैं। और अब बारी आ गई है प्रसाद वितरण की, तो ये लीजिए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंजीरी है और पंचामृत है, और बोलिए जय भगवान की। इस प्रकार पूजा बहुत अच्छे से पंडित जी ने संपन्न करा दी। और अब था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह फिर हवन वगैरह होना है, तो पंडित जी अपने बिल्कुल समय पर आ गए थे। और फिर पंडित जी ने हवन वगैरह कराया, सारे परिवार के लोग बैठकर हवन कर रहे हैं, और हवन के बाद बट रहा है ये प्रसाद। और ये पंडित जी जो थे उन्होंने पूजा इतने अच्छे से कल की भी संपन्न कराई थी, विधिवत एक एक चीज़ जो है वो डन कराई थी, और आज हवन भी इतने अच्छे से कराया था। मंत्रोच्चारण तो पंडित जी का बहुत ज़्यादा अच्छा था, और पूरे विधि विधान से सारी पूजा संपन्न हुई। चाची जी के मायके से भी सब लोग आए थे, और उनकी बहुओं के मायके से सब लोग आए थे, बेटी दामाद वगैरह भी सब लोग आए थे, और देवरानी तो थी उनके बगल में, और कॉलोनी इतनी अच्छी कि वो सारे सब लोग मौजूद थे। और उसके बाद स्टार्ट हुआ फिर खाना, और हम सब लोगों ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। तो चलिए आप भी हमारे साथ, और देखिए कि क्या क्या है। पनीर की सब्जी है, धनिया के आलू है, कलहरे आलू हैं, और ये पुलाव है, रायता है, सलाद है, पापड़ था, और प्रसाद वाली बूंदी। कोई भी भंडारा हो, कोई भी प्रसाद वाला प्रोग्राम हो, और उसमें बूंदियाँ ना हो मीठी, तो फिर उसके बिना अधूरा लगता है। तो अब हम सारी औरतें भी बैठ गए हैं प्रसाद पाने के लिए। तो ये चाची की कॉलोनी की सारी औरतें हैं, और हम सब लोग भी हैं, साथ में बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। और साथ में बैठकर इस तरह प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई देता है कोई पूजा पाठ का जो खाना होता है। तो आप लोग ये प्रसाद पा लीजिए। फ्रेंड, ये था हमारा दो दिन का फंक्शन, और अगर अच्छा लगा है आप लोगों को ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।